नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकी और विक किड 7 एम के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं एक पूरी सीरीज चलाने वाला हूं कार एक्सेसरीज के बारे में, और उस सीरीज का सबसे पहला वीडियो है ये वैक्यूम क्लीनर जो है रेस्क्यूटेक कंपनी का। दोस्तों, इसको मैं करीब करीब एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ और करीब करीब मैंने 5 से 6 बार इसको यूज़ किया है और मुझे ये प्रोडक्ट हेल्पफुल लगा, इसके लिए मैंने सोचा कि ये मैं एक वीडियो आपके लिए बना ही दूँ। इसकी प्राइस दोस्तों 1500 रुपीज़ है, 1400 और 1500 के बीच में ये मिलता है अमेज़ॉन पे। इसकी जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे और कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर दी गई है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। बॉक्स एक सिंपल सा है। तो दोस्तों, ये है रेस्क्यूटेक कार वैक्यूम क्लीनर, ड्राई और वेट पर्पसेस के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। और दोस्तों, इसकी वारंटी है, ये 2 साल के वारंटी के साथ आता है। दोस्तों, 100 वॉट का है ये, और 100 वॉट का होने की वजह से ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वैक्यूम क्लीनर माना जाता है। और इसको चलिए तुरंत ही अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग ऑलरेडी किया हुआ है, आपको बता दूं कि बॉक्स में क्या क्या है। तो दोस्तों, ये इसका मेन यूनिट है और बहुत ही क्यूट लुकिंग डिवाइस है ये। स्टडी हैंडल यहाँ पर ये एक है, और ज़्यादा कुछ होता नहीं है वैसे इसके अंदर। ये इसका वायर है दोस्तों, वायर की लेंथ जो है वो 5 मीटर है, तो 5 मीटर तो बहुत ही ज़्यादा है एक्चुअली। और ये किसी भी कोने में आपका, अगर आपके पास अगर 2 और सिगरेट लाइटर के चार्जर नहीं होंगे, जैसे कि ये जो पिन होता है, इसका एक स्लॉट होता है अंदर गाड़ी के अंदर, ये पीछे साइड भी नहीं होगा ना, और आपके पास कोई बड़ी गाड़ी भी होगी तो भी ये आराम से 5 मीटर का होने की वजह से आराम से ये आपके मतलब डिक्की तक आराम से पहुंच जाएगा। इसके साथ में आता है ये मैनुअल है, लेकिन ये कुछ काम का नहीं, मैं आपको सब बताऊँगा कैसे करना है। इसके बाद में ये 2 एडिशनल इसके एक्सटेंशन भी आते हैं, ये और ये एक। ये लंबा वाला एक्सटेंशन दोस्तों कोने में जाने के लिए है, कोने में अगर कुछ धूल होगा तो वो साफ़ करने के लिए। एल्सवेयर आप इसको एक लिक्विड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ये लिक्विड के लिए भी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ड्राई एंड वेट, तो लिक्विड सब के लिए ये आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में सेकेंड वाला जो है वो है ये वाला। इसमें ऐसा डिज़ाइन इसका ऐसा है ना, इसकी वजह से सक्शन बहुत बढ़ जाता है। तो मतलब कोई हार्ड सरफेस पे होगा, फॉर एग्जांपल ये है, तो इसको ऐसे लगा के घिसने का मतलब इसके ऊपर जो धूल है वो निकल जाएगी, और ये इसमें सक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये आराम से अंदर चला आएगा इसे, ठीक है। दोस्तों, मैं सजेस्ट करूँगा आपसे कि आप सस्ता वाला कोई वैक्यूम क्लीनर ना ले, क्योंकि आप सस्ता वाला लोगे 700-800 में, उसमें कोई वारंटी नहीं होती, और फिर 2-3 महीने के बाद वो ख़राब हो जाता है और आपके 800 रुपये पूरे पानी में चले जाते हैं। इससे अच्छा एक अच्छा वाला वैक्यूम क्लीनर लो 1500 से 2000 के बीच में, और 2 साल की वारंटी पाओ, और 2 साल में अगर कुछ होता है तो आपको एक पीस ऑफ माइंड भी रहता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वारंटी के अंडर कवर्ड है। इसके लिए नो चाइनीज़ और नो चीप वंस, ठीक है। तो ये जो है ये मेन यूनिट है इसका, यहाँ पे देखिए, इधर ये है ऑन ऑफ, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे दोस्तों ये ओपन करने के लिए है, ये पीछे का पोर्शन, इधर पीछे मोटर एग्जॉस्ट है, इधर अंदर मोटर है, और बस इतना सही है इसमें। खोल के दिखाता हूँ मैं इसको आपको, ठीक है। ये देखिए, ये जो है ये इसका मोटर है अंदर, इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। इसके अंदर देखिए, ये इसका यूनिट है, ये एक्चुअली मैंने अभी धोया है इसको, कल मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग की करके धो के रखा था इसको, तो वापस से वीडियो बनाने के लिए धोया। इसके अंदर दोस्तों ये डस्ट पैन होता है, डस्ट बैग ये ऐसे अंदर होती है इसके, ये एक्चुअली असेंबली ऐसे होता है। डस्ट बैग मैंने धोया नहीं, क्योंकि अभी आपको दिखाना है इसके लिए, तो ये डस्ट बैग को निकाल लेंगे। ये डस्ट बैग है ऐसे, इधर ये होल्डर है, डस्ट होल्डर, और ये मेन कचरा जो है ये यहाँ पर जमा होता है इसके अंदर से। तो अब आगे की तरफ देखोगे ना तो ये ऐसा है, और ये देखिए यहाँ से ये अंदर जाता है, और इधर एक अंदर एक फ्लैप है यहाँ पर, ये फ्लैप जो है ना ये ऐसे ओपन होता है, जब आप सक्शन देते हो अंदर से तो ये ओपन होता है, सारा कचरा अंदर आता है और वापस जाने का चांस नहीं होता, क्योंकि आप बंद करोगे तो ये ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग रहता है। तो इसको चलिए इसको तुरंत डालते हैं अंदर ऐसे, अभी भी गिला ही है, ये डाल दिया मैंने अंदर। ये है बैग, ये बैग को, बैग मतलब ये कवर करने के लिए उसको, और फाइनली इसको 2 हाथ से ऐसे खेल देंगे अंदर। ये हो गया यूनिट रेडी, ठीक है। अभी मैं इसके वर्किंग के बारे में बताऊंगा, पहले मैं आपको मेरी गाड़ी की धूल बताता हूँ कितना है।
दोस्तों, प्लग लगाने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी गाड़ी चालू करें, क्योंकि अगर गाड़ी में बैटरी का इशू है तो ये बहुत आपकी बैटरी खींच लेगा, इसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट होने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा गाड़ी चालू करके इसको यूज़ करना। तो दोस्तों, गाड़ी चालू करने से पहले ऑब्वियसली आपको न्यूट्रल करना है, और ये गाड़ी ऑलरेडी न्यूट्रल में है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग उसको चालू कर देंगे। दोस्तों, ये इसका स्लॉट है यहाँ पर सिगरेट लाइटर का सॉकेट, इसमें ऑलरेडी मेरा ये कार का मोबाइल चार्जर है, बहुत ही अच्छा है ये भी। और इसकी जगह पे हम लोग ये लगा देंगे, ठीक है। जैसे आप इसको लगाओगे तो एक लाइट स्टार्ट होगी, ये देखिए, इससे इसका मतलब है कि ये ऑन हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा था, थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। कंकड़ भी है, पत्थर, कंकड़ पत्थर छोटा सा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये क्लीन करने के लिए मैंने एक्सटेंशन यहाँ पर लगा दिया है लंबा वाला, इससे आप लिक्विड भी सक करने के लिए यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बटन ऑन है। ये एरिया दोस्तों यहाँ पर क्लीन हो गया है, ये देखिए। दोस्तों, मैंने सीट ये आगे ले ली है, और सीट आगे लेने के बाद मेरे को पता चला कि वहाँ पर बहुत सारा कचरा अभी भी बचा है। तो क्योंकि दोस्तों ये पूरा वैक्यूम क्लीनर तो अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा, वैसे क्लीनिंग हो सकती है लेकिन थोड़ी दिक्कत होगी, इसीलिए हम लोग ने एक्सटेंशन लगाया। ये दोस्तों वेट के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने कचरा ऑलरेडी यहाँ पर था, मैंने किया नहीं है इसको। तो दोस्तों, एक क्लीनिंग हो गया है, इसके अंदर देख सकते हो आप बहुत सारा कचरा जमा है अंदर। अभी मैं इसका डस्ट बैग आपको खोल के दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर सारा कचरा यहाँ पर जमा है, तो इसको खींच लेते हैं ऐसे, और गंदा हो गया ये बैग है, ये देखिए, ठीक है। इसके अंदर और एक बैग है, इसको भी साइड में कर लेते हैं, और ये देखिए कचरा। अंदर से गंदा हो गया दोस्तों, तो इसको हम लोग बाद में घर पे आके धो देंगे। इसको भी हम लोग अच्छे से साफ हो गया, ये तीनों को आप धो सकते हो, लेकिन इस मोटर के ऊपर पानी नहीं गिरना चाहिए, तो सिर्फ यहाँ पे गीले कपड़े से इसको पोंछ लेंगे, ठीक है। तो इसको वापस, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी इस प्रोडक्ट के बारे में पता चले। और दोस्तों, इस प्रोडक्ट की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और कमेंट बॉक्स में भी फर्स्ट कमेंट में हाईलाइट कर दिया है, प्लीज़ चेक इट आउट। थैंक यू, और हैव अ गुड डे।